हाय व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको शाही लज़्ज़त में बताने जा रहे हैं चिकन चिज़ी ब्रॉक। ठीक है, मैंने 1.5 टेबल स्पून ऑयल डाला है, अच्छे से इसको गर्म होने देना है और एक चॉप ऑनियन डालना है। ठीक, थोड़ा सॉटे करेंगे हम 2 मिनट के लिए। उससे पहले मैं आपको बताती हूँ कि मैंने 300 ग्राम चिकन ली, उसको बॉईल कर दी हूँ 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट और सॉल्ट डालकर, और उसको शेड कर ली। ठीक है, और इसका इसमें 1 कप पानी डाल के मैंने ये की थी, तो उसका मैंने ये स्टॉक रेडी करी हूँ चिकन का। अभी पहले मैं प्याज को थोड़ा कलर चेंज होने देंगे, क्योंकि हमने चिकन में जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल चुके थे। और जो मेरे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक बटन को प्रेस कीजिए। और वाकई में मेरा चैनल अच्छा है, तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स को मेरे चैनल के बारे में बताइए। ये देखो, थोड़ी प्याज हमने सौते कर लिए, थोड़ा हल्का सा गोल्डन कलर आ गया इसके अंदर। सबसे पहले हम इसके अंदर डालेंगे चॉप चिलीज। मैंने 10 से 12 मिर्ची ली हूँ, ये आपके ऊपर है कि आपके अंदर कितना तेज खाते। ये रमज़ान की रेसिपी है, मैं एक तरीका बता देती हूँ आपको, मगर तेज नमक सब कुछ आपको अपने हिसाब से देनी डालना है। इसके अंदर हम डाल देंगे, इसमें हम 2 टेबल स्पून मैदा डाल देंगे। ठीक है, 2 टेबल स्पून 300 ग्राम चिकन में हमने आटे को अच्छे से भून लिया। ठीक है, जो मैदा डाले थे हमने, अब इसके अंदर हम डालेंगे स्टॉक। ठीक है, स्टॉक, अब उसके अंदर हम डालेंगे 1 कप दूध और उसके अच्छे से लो फ्लेम पे मिक्स करेंगे। जो इसके दम से वो सारे हम उसको स्लो लो फ्लेम पे पहले अच्छा पका कर नम्स ख़त्म करेंगे। ये मैम इस तरह पकाते जाएंगे स्लो लो फ्लेम पे और हिलाते जाएंगे, ताकि जो लम्स है उसके सब ख़त्म हो जाना चाहिए। मैदे से जो लम्स बनते हैं वो नहीं बनना चाहिए। अगर आपको स्पैचुला से नहीं हो रहा है या स्पून से, तो आप ये विस्कर भी यूज़ कर सकते हैं, विस्कर। ठीक है, इससे भी विस्क कर सकते हैं सर। देखो सारे लम्स इसके ये हो जाएंगे, नज़दीक से बताना। अब देखे, अब इसमें लम्स नहीं है, प्लेन में हमने लो ही रखे। तक अब हम इसके अंदर जो शेड की हुई चिकन डालेंगे, इसमें और हरा धनिया डालेंगे 2 टेबल स्पून जितना, और 1 टेबल स्पून जितना हम पुदीना डालेंगे, उसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स कर लिए, इसका टेक्सचर देख रहे हैं, इस तरह से क्रीमी टेक्सचर चाहिए। अब इसके अंदर हम डालेंगे चीज, कम से कम 200 ग्राम्स मैंने चीज ली हूँ, तो 100 ग्राम्स ही मैंने इसको शेड कर ली। मेरा 200 ग्राम्स का ब्रॉक था, तो मैंने इसको हाफ शेड कर दी और वो डाल देंगे, और फ्लेम को हम अभी बंद कर देंगे, क्योंकि हमारी चिकन अभी गर्म है। इस वक्त ये चीज़ इसमें खुद ब खुद मेल्ट हो जाएगा। अभी मैंने फ्लेम को ऑफ कर दी हूँ और एक चीज़ी डिश रेडी हो जाएंगी रमज़ान के लिए। रमज़ान शरीफ अभी आने ही वाले हैं, तो मैं सोची थी हमारे घर में जब जो चीज़ बनती है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, इसलिए मैं ये, आप देखें फ्लेम ऑफ है, ये देखो फ्लेम ऑफ है, लेकिन सब चीज़ हमारी मेल्ट हो चुकी है। अभी इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि चीज़ सब तरफ एक जैसा हो जाए। ये देखो ये हो गया, अभी आगे आपको बता, इसका टेक्सचर आपने देखिए ऐसा होना चाहिए। ये देखो इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए, बिल्कुल भी रनी नहीं चाहिए,
ऐसे जब तक हम ऐसा थोड़ी देर में ऐसा गिरना चाहिए तो ये कबाब सही बनेंगे। अभी इसको हम लेंगे ट्रे यहाँ पर और ट्रे पर लगा देंगे थोड़ा सा ऑयल। ट्रे लेंगे, कोई भी डिश लेंगे और इसके बाद बिस्मिल्लाह इस पर डालेंगे। सब इस पर डालेंगे ऐसे इसको ऐसे स्प्रेड करते जाएंगे क्योंकि हमको इसको बॉक्स के बॉक्सेस में काटना है, पीसेस काटना है स्क्वायर वाले। इसको से हम पूरे ट्रे में जमा देंगे। पूरे ट्रे में आ गया, उसको टैप टैप करेंगे। और अगर आपके पास टाइम है तो आप 2 घंटे के लिए इसको फ्रिज में रख दीजिए। और अगर टाइम नहीं है आप रात से भी बना के रख सकते हैं, रमज़ान शरीफ में तो सुबह से भी बना कर रख सकते हैं। और अगर टाइम नहीं है जल्दी जल्दी करना है तो आधा घंटे के लिए आप फ्रीज़र में डाल दिए ठंडा होने के बाद। और इसके बाद क्या करूँगी मैं आपको आगे बताती हूँ। अभी मैं इसमें को फ्रिज में रख रही हूँ, 1 घंटा भी काफ़ी है मेरे लिए, 1 घंटे के बाद मैं आपको बता। ये देखो हमने चिकन को सेट कर दिए थे, अब इसके आप ब्लॉक्स बना दें अच्छे से। उसको ऐसा हमको काट लेना है जैसे आपको पीसेस बनाना है वैसे, ठीक है? छोटे बड़े ये आपके ऊपर है कि कैसे पीसेस बनाना है। सारे हम ऐसे पीसेस कर देंगे ऑन स्पॉट ऐसा करके। और निकालने के लिए क्या करेंगे हम, अब एक ही मैंने काट के आपको बताई। इधर को इसको नहीं इतना कोई प्रॉब्लम है, इधर एक ब्लॉक बन गया, थोड़ा सा चिकन इधर उधर है, हमको हाथ से इसको एकदम सीधा करना है ऐसा। और सारे ऐसे ब्लॉक्स अभी हम देखो दूसरा निकाल के बताती हूँ मैं। एक स्पैचुला लेना है या स्पून लेना है, स्पून नहीं स्पैचुला से ही सही है ना। और ये ऐसा ब्लॉक्स बना देना है, सारे ब्लॉक्स बनाती हूँ और आगे आपको बताती हूँ। देखो हमने ब्लॉक्स तो बना दिए, सारे काट लिए हमने। अभी इसको एक सबसे पहले हम अंडे को फेंट लिए, अंडे स्टिक है मैंने अंडे को फेंट लिया। देखो ये ब्लैक पेपर और सॉल्ट डालकर इसके अंदर हम डिप करेंगे। और हमने ब्रेड क्रम रेडी रखे, ब्रेड क्रम में डिप करके हम एक कबाब ऐसा डालते जाएंगे। बिस्मिल्लाह पहले एक में डिप करना है, अंडे के अंदर हमने काली मिरी और नमक डाल के रखे और उसके बाद ब्रेड क्रम में डिप करना है और इसको फ्राई करते जाएंगे। और सारे हम ऐसे डिप करेंगे। आपको मैंने 2-3 डालकर दिखा रही हूँ और उसके बाद सारे फ्राई करती हूँ। इधर डालते जाएंगे। जब हमने लो फ्लेम पे पड़े रखे थे फिर हाई करी, आप देखिए कितना अच्छा कलर आ गया इसको। ऐसे 3 से 4 मिनट लगते हैं, यानी 1-1.5 मिनट तक लो फ्लेम पे रखी और बाद में हाई कर दी, ये सब गोल्डन कलर आ गया। और कितने इजी आपने देख ली बनाने के लिए, बिल्कुल वक्त नहीं लगता है इसमें। रमजान शरीफ आ रहे हैं हम इसको और 2-3 मिनट फ्राई करेंगे और हमारे कबाब रेडी हो जाएंगे। अभी हम इसे मिटा देंगे। हम सारे इसको ऐसा अच्छे से छन कर निकाल लेंगे, ठीक है?